इनको अंडा खिला दें, ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा। अंडा जो मंगवाओगे तो दो मंगवा लेना, मुझे भी लग रहा है मेरा ब्लड प्रेशर लो है। अभी तुम्हें कहूं हो रहा था और अब तुम्हारा ब्लड प्रेशर लो हो गया है। और मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि कहूं मुंह ज्यादा हो तो ब्लड प्रेशर भी लो हो जाता है। दोबारा कौन अंडा लेने जाएगा, एक बारी दो मंगा लो। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? डॉक्टर साहब मेरे बच्चे को देखें। नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब कौमू नहीं बंद हो रही। यार बंद हो जाएगा कौमू, क्या हो गया? डॉक्टर साहब प्लीज मेरे डैड को देखें। डैड 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 ऐसे कहती है जैसे पोलो का खिलाड़ी है डैड। हाय डॉक्टर साहब मेरा बच्चा तकलीफ में, उसके पास आ जाए। ओ बच्चे के पास आ जाए, बच्चा बड़ा बिरयानी खा रहा है। देखिए मैं डॉक्टर हूँ, मैं कुछ जादूगर नहीं हूँ, शक्ल से लगता हूँगा लेकिन हूँ नहीं, मैं डॉक्टर हूँ। मैंने ड्रिप लगाई है आपके बच्चे को, कोई हवा भरने वाला पंप नहीं लगाया जो 5-6 दफा प्रेस करने से आपका बच्चा टायर की तरह ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब मुझे लगता है कि ये हवा का ही चक्कर है, क्योंकि मेरे पेट में कहूं मऊ शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। ओहो कहूं मऊ। साहब 5 सालों में मैंने MBBS किया है, 5 सालों में किसी भी बुक में मैंने कहूं मऊ पढ़ा ही नहीं, या मुझे नजर ही नहीं आया। ओ कहूं मऊ लेके चले जाओ किसी खुली जगह पे। डॉक्टर साहब जो इलाज नहीं करना तो 50 रुपए ही दे दियो बोतल वास्ते। तुम अभी ना ओ, चलो ये 100 ही रखो, 50 रुपए आज कमाऊंगे और 50 रुपए कल के कमाऊंगे। अब तुमने 2 दिन इधर का रुख नहीं करना, अस्पताल में घुसना नहीं है। आए मेहरबानी जनाब मेहरबानी, ये ना ना होवे कि आज ही 2 बोतलां पीनियां पै जाण। कैन यू गो? वो गो आए चले जाओ यहाँ से। क्या है मेरे पास 100 रुपया नहीं है। नहीं है। अच्छा जी चलो फिर मेरे वाला भी ना खो लेना। डॉक्टर साहब मेरे पाँव लगता है किसी ने कोलों पे रख दिए, जल रहे हैं मेरे पाँव। जल रहे हैं पाँव? हाँ जी। चमड़ा जलने की भूत नहीं आ रही। एक तो अस्पताल में अमला का, ऊपर से मरीजों का बेपनाह रश, और रही सही कसर इस पे पूरी हो जाती है कि 60 से 70% मरीज अनपढ़ ऐसी बीमारियां लेकर आते हैं कि डॉक्टर सर पकड़ के रह जाते हैं कि हमने आज तक ऐसी बीमारी ना पढ़ी ना देखी, और मरीज वो बयान करते हैं और उसको इमरजेंसी की शक्ल देके डॉक्टर्स को तंग करके रख देते हैं। हाँ। फरीद साहब क्या बताऊं किस किस तरह का नमूना आता है इस इमरजेंसी में। आपको बताता हूँ, एक मरीज आया तड़फ रहा था, शदीद तड़फ रहा था। अच्छा। कहा क्या हुआ? कहता डॉक्टर साहब मैं जूता पहनता हूँ तो मेरे पाँव में दर्द होती है, जूता उतारता हूँ तो ठीक होता है। मैंने कहा ओह नो प्रॉब्लम, केस तो मेरा ही है। 1.25 घंटा मैंने उसे चेक किया, पाँव को चारों तरफ से चेक किया तो पता चला कि वो मेरा केस नहीं है, मोची का केस है। उसने 1 नंबर जूता छोटा पहना हुआ था। अब देखिए वो जो जूता छोटा है वो भी केस डॉक्टरों पे डाल रहा है, क्या करें डॉक्टर? फरीद साहब ऊपर से बड़े बड़े लोगों के फोन करवा के आते हैं, यहाँ के बदतमीजी करते हैं। अभी थोड़े दिन पहले एक आदमी आया, कहता मेरे पेट में गड़बड़ है। डॉक्टर साहब ने कहा कि इसको ड्रिप लगा दें। मैंने कहा जी 1.25 घंटा लगेगा, आप लेट जाए। कहते मेरे पास इतना टाइम नहीं है, आप मुझे गिलास में डाल के दे दें। मैंने कहा बाबा ड्रिप यहाँ लगनी है। कहते अच्छा यहाँ से जाए या यहाँ से जाए, जानी तो अंदर ही है ना। डॉक्टर साहब दवाई ले दो, तुसी ते घर दा सौदा लिखण लग पे हो। मैं फैमिली डॉक्टर हूँ, घर का सौदा भी लिख के देता हूँ। डॉक्टर साहब आप आ जाए जरा मेरे भाई के पास। भाई वो डॉक्टर हमदानी आ गए हैं और वो ऑपरेशन थिएटर में ही हैं, जाए आप, नो प्रॉब्लम। ओके मेहरबानी मेहरबानी। डॉक्टर साहब देखें मैडम ब्लड प्रेशर अब पहले से बेहतर है। देखिए ना मैडम यहाँ से हाथ उठा ले, इसको चोट लगी हुई है, इसी वजह से ये हाय हाय कर रहा है। मैं मर गया जे, और मेरे गोडे में टीसा पै रही ने। देख रहे हैं आप, ये इमरजेंसी है या चिड़ियाघर है? डॉक्टर साहब ये चिड़ियाघर नहीं जंगल है, जंगल। चिड़ियाघर तो फिर भी बेहतर होता है। हर अस्पताल की इमरजेंसी का कमोबेश यही हाल है। इमरजेंसी का मतलब है लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन, यानी मरीज की अगर जान ना बचाई गई तो वो जान से जा सकता है। बिल्कुल। लेकिन होता क्या है कि अस्पताल के अंदर सर दर्द, पेट दर्द, पाँव में दर्द, घुटनों में दर्द, नजला, जुकाम, बुखार सब वहीं पर डाल दिया। होना तो यह चाहिए कि अस्पताल की इमरजेंसी को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए। ऐसे मरीज जिनकी लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन हो वो सिर्फ वहां जा सकें, और जो मामूली जिनको तकलीफ हो वो उस इमरजेंसी पे जाके डॉक्टर्स और लाइफ थ्रेटनिंग पेशेंट्स के ऊपर बोझ ना बने। बिल्कुल सही। ओ माय गॉड, हुक्मरानों को ये बातें क्यों नहीं नजर आती। छोड़ दूं डॉक्टरी, कर लूं काम शुरू रंग रोगन का। रंग रोगन का क्या मतलब? वो मेरा ब्रदर इन लॉ काम करता ना रंग रोगन का, कोई टेंशन नहीं उसको, टाइम से जाता है टाइम पे आता है, 12 बजे दोपहर वो खाना खा लेता है। और मेरी हालत देख रहे हैं आप, इमरजेंसी में 3-3 घंटे ये लोग मुझे खाना नहीं खाने देते। मैंने अपने पल्ले से 100 रुपया दे के वो घोंग को भेजा है। डॉक्टर साहब दुकानदार को भान नहीं सी, उन्हें 100 दी 2 बोतल दे दी ने, एक तुसी पीवो तो मैनू 50 दे देना, फिर मैं कल पी लवांगा।